तो ये अभी बज रहे रात की 11 और मैं अभी बालकनी में टहल रही थी। पुल्लू सो चुका है, उसे आज मैंने थोड़ा जल्दी सुला दिया था और अभी भी लोग घूम ही टहल रहे हैं, जबकि पटना से यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। पूरी ठंड इस बार मेरे बिहार में ही निकल गई, अच्छा ही हुआ क्योंकि दिल्ली की ठंड थोड़ा ज़्यादा ही होती है बिहार से। और अभी यहाँ पे ठंड है, आप देख सकते हो मैंने हुडी डाल रखा है। तो इतनी ठंड है कि आपको सुबह और नाइट में स्वेटर भी पहनना पड़ सकता है। तो मैंने पहना है, पुल्लू को भी पहना रही हूँ। तो मैं टहल रही थी तो मैंने सोचा चलो अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं ताकि मैं उसे सुबह कंटिन्यू कर पाऊँ। मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाती इसलिए वो कंटिन्यू नहीं होता, करूँगी करूँगी करके मैं छोड़ देती हूँ। चलो अभी आपको नाइट का व्यू दिखाते हैं, आपको बालकनी से बहुत ही अच्छा व्यू है नाइट का मेरे बालकनी से। तो चलो पहले देखो, तो ये है एक सोसाइटी जो जस्ट हमारे सोसाइटी के सामने है और मुझे काफ़ी पसंद है ये सोसाइटी। और मैं इसमें अभी इस संडे जाने वाली हूँ हाउस हंटिंग के लिए, तो अगर मैं गई तो आप लोगों को भी ज़रूर टूर कराऊंगी। बहुत ही अच्छी सोसाइटी, अभी नई बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इधर भी एक सोसाइटी अभी नई बनी है, देखो ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है अभी यहाँ पे। और ये हमारी सोसाइटी है, वैसे मुझे अपनी सोसाइटी सबसे अच्छी लगती है लेकिन मैं इसमें फ्लैट सर्च कर रही हूँ पर मुझे अभी कोई मिला नहीं है, तो मैं यहाँ सर्च करने का सोच रही हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत लगता है रात को, और ये बिल्कुल काला आसमान, बिल्कुल एक दो आपको टिमटिमाते हुए तारे दिखेंगे बस। मूड में क्योंकि ऐसा लग रहा था, बहुत ज्यादा वो होता है ना सफोकेशन टाइप का लग रहा था मुझे। मैं भी सोने ही जा रही थी लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लूँ। पुल्लू नहीं है, पुल्लू तंग करता है, करने नहीं देता एक्चुअली। मैं वॉक करूँगी वो भी कुछ कुछ करेगा, फिर मैं बैठ जाती हूँ उसके साथ खेलने लग जाती हूँ। वो सोया है तो मैंने सोचा चलो कुछ देर वॉक कर लेते हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं वॉक करती हूँ और इस ब्लॉग को मॉर्निंग में कंटिन्यू, मॉर्निंग कल के लिए कंटिन्यू करके छोड़ देती हूँ अभी इसी टाइम पे, क्योंकि कुछ बताने को रात को अभी है नहीं, जस्ट वॉकिंग वॉकिंग एंड वॉकिंग ही चलेगा मेरा। तो गुड नाइट, सो जाओ आप लोग, स्वीट ड्रीम, मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, तो फाइनली रात के बाद मुझे टाइम मिल गया फ़ोन उठाने का। अभी जस्ट पुल्लू को मैं क्लास छोड़ के आई हूँ और अभी बज रहे 11:30, तो यही है टाइम मेरे पास मॉर्निंग का जो मेरे मेरा अपना होता है। मतलब बुल्लू 2 घंटे का क्लास करता है तो इसी टाइम पे मैं ब्लॉग कर लेती हूँ या फिर कोई प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो शूट करना होता है वो कर लेती हूँ। तो 5 दिन हो गए मुझे पटना से नोएडा आए हुए, और इन 5 दिनों में अभी तक मेरा साफ सफाई का काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं प्रॉपर पूरे टाइम नहीं कर सकती। जब पुल्लू नहीं होता है ना तभी करती हूँ, क्योंकि वो मैं एक तरफ से करती हूँ और वो एक तरफ से और ज्यादा उसे खराब कर देता है। जब वो जाता है ना क्लास उसी टाइम में मैं करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो फ्लैट है वो 2 BHK है, तो एक रूम तो मैंने क्लियर किया क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मेस था, और किचन हॉल भी ऑलमोस्ट सेट है। तो बस गया ये रूम जहाँ मैं बैठी हूँ, मेरा बेडरूम। और बस सबसे पहले मैं पुल्लू का कवर ठीक करने का सोच रही हूँ क्योंकि उसको उसके समर्स के सारे कपड़े निकाल के अब धो के मुझे सही से रखने हैं। उसके कवर से भी बहुत गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों, 5 महीने से घर बंद था तो ये हालत तो होनी थी। तो चलो जब तक पुल्लू क्लास में है तब तक मैं उसके कुछ कपड़े ठीक कर लूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने किचन बहुत अच्छे से पूरे क्लीन किए हैं। चलो पहले किचन में चलते हैं, और ऐसे भी मुझे थोड़ा काम है किचन में, पहले आपको किचन दिखाती हूँ। तो ये देखो किचन को आज मैंने थोड़ा अरेंज किया है, काम होने इतना। और ये कुछ चीज़ें निकली है पैकेट पैकेट वाली, जो थोड़ी ख़राब हो चुकी है थोड़ी सही है, तो इसे मैं सोच रही हूँ धूप दिखाने का किसी चीज़ को, और जो सही है उसे रखने का, जो सही नहीं है उसे डंप करूँगी, क्योंकि ये पैकेट वाली चीज़ें 5 महीने खुलने के बाद खराब हो चुकी है। तो आप देख सकते हो किचन में अभी कुछ भी नहीं बना हुआ है, पूरा क्लीन किया हुआ किचन है यहाँ पे। तो बस ये दूध गर्म किया हुआ है वही है, और इसे मैं ढक देती हूँ। अभी मैंने पुल्लू को दूध दिया है,
वो दूध पी के गया क्लास। अब मैं थोड़े देर में लंच बनाऊंगी, तब तक ये मेरा साफ सुथरा किचन। और इधर आप देख सकते हो हॉल तो बिल्कुल साफ ही है, हॉल में ज़्यादा गंदगी वैसे हुई नहीं थी, तो हॉल साफ सुथरी पड़ी है। इस रूम में सबसे ज़्यादा मैस था, कुछ अभी भी मैस है। पुल्लू के कपड़े जो मैं पटना से लेके आई हूँ ना, उसको अभी मैंने कहीं अरेंज नहीं किए हैं, क्योंकि उसका कबर्ड अभी जैसे तैसा। तो ये हमारी फोटोज, फैमिली फोटो, मैं, पुल्लू और उसके डैडा। ये कबर्ड, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है। ये पुल्लू के डैडा का कबर्ड है, तो इसे ये ऐसे ही क्लीन कर सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा अरेंज नहीं करना आता। और ये जो आप देख रहे हो ना पॉलिथीन में, ये नए कपड़े नहीं हैं, ये पुराने शर्ट हैं, क्योंकि इनके सारे कपड़े ड्राई क्लीन होके आते हैं, तो ये ऐसे ही अच्छे से रखे रहते हैं। तो ये कवर्ड मैंने पूरा क्लीन किया है, ये बहुत भरा पड़ा था। इधर भी मैंने अरेंज किया है, तो ये तो साफ हो चुका है। इसमें भी एक और हमारा ये अलग से कवर, डिस्को मैंने पहले से ले रखा था, ये हूँ मैं देख सकते हो मुझे भी। तो ये बहुत ज़्यादा, इसमें मेरे ही कपड़े फैले और बिखरे रहते हैं। तो ये देखो देखो कैसे डंप किया हुआ है इसमें भर भर के। तो ये मैं बाद में साफ़ करूँगी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अभी मुझे। तो इतना काम तो हो चुका है, अब बचा है पुल्लू का कवर। से मुझे पुल्लू के आने से पहले मुझे लंच भी बनाना है, और उसका जो कवर्ड है वो भी साफ करना है। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, फटाफट निकालूंगी कपड़े, और धोने वाले होंगे वो धोऊंगी, बाकी देखती हूँ। चलो शुरू हो जाते हैं, रेडी स्टडी गो। तो ये है पुल्लू राम का मेस कवर्ड, जिसे आज मुझे सही करने हैं। कुछ विंटर, कुछ समर, मोस्टली विंटर के ही मुझे कपड़े दिख रहे हैं इसमें, समर्स के तो कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। तो देखती हूँ क्या रखना है, क्या निकालना है। तो ये देखो विंटर के ही पड़े हैं, पता नहीं क्यों, ये उसके समर्स के हैं। मेरे भी घुसे रहते हैं, मेरे कपड़े हर जगह घुसे रहते हैं, सबके कबड़ में आपको मेरे कपड़े कहीं ना कहीं पक्का ही मिल जाएगा। ये देखो अगेन मेरे में गिरेगा, से गिरेगा टप 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 टप। फिर से देखो, फिर मेरे कपड़े सारे, उसको ऑलमोस्ट कपड़े इतने जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं ना कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या करूं। देखो अब ये सब टी शर्ट उसे किसी हालत में नहीं आएगा, पिछले समर्स के ही कपड़े हैं। आई होप आ जाए शॉर्ट्स, तो थोड़ा शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, शॉर्ट्स तो थोड़ा शॉर्ट भी पहन सकते हैं। बस जल्दी 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 जल्दी, मैं सोच रही हूँ एक चटाई जो होता है वो डालूं बाहर धूप में, और इन सबको डाल दूं, थोड़ी जो स्मेल है ना बंद बंद वाली वो निकल जाएगी बस। वाह नए कपड़े भी हैं, अगेन मेरे जीन्स। तो देख सकते हो आप, कपड़ों का पूरा अंबार लग गया है यहाँ पे, और कवर्ड डिस्क का पूरा ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। कवर्ड का हाल देखो, तो मैं सोच रही हूँ जो विंटर्स के कपड़े हैं उन्हें धूप दिखाऊं और रख दूं, क्योंकि उसको पुल्लू ने इस बार तो पहना नहीं, इस बार वो विंटर में यहाँ था ही नहीं। जो समर्स के कपड़े हैं उन्हें मैं जाके वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ, मतलब समर्स नहीं, अभी जो कपड़े यूज हो सकते हैं वो उसे मैं जाके धो देती हूँ, धो के सारे सुखा देती हूँ, देन वो यूज कर सकता है। तो यही सोच रही हूँ मैं, विंटर्स के कपड़े को धूप दिखा देती हूँ, समर्स के कपड़े को धो देती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोए तो नहीं जाएंगे तुरंत के तुरंत। तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो करती हूँ फटाफट, वॉशिंग मशीन चलाती हूँ।
तो कवर्ड का काम तो निपटाना नहीं बोल सकते हैं, आधा मैंने मशीन में डाला आधा धूप में डाला। अब जो धूप में डले हैं उन सबको फोल्ड करके मुझे कवर्ड में रखना पड़ेगा, तो ये भी एक काम ही है। 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट, यहाँ मैं लेके बैठी हूँ ग्रीन टी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना एक बार ही वेट लूज करने का बहुत शौक चढ़ा था और उन्होंने भर भर के ग्रीन टी मंगवाया था। वो भूत उतर गया बहुत जल्दी और ग्रीन टी बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा खत्म ही कर देती हूँ, मैं तो हूँ ही डाइट पे, तो बस वही कर रही हूँ। वैसे मैं अपने डाइट रूटीन में ग्रीन टी को ऐड नहीं करती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं उसके जगह पे कोई और डिटॉक्स ड्रिंक पीना पसंद करती हूँ, लेकिन घर में पड़ा हुआ है तो सोच रही हूँ पी लेते हैं। तो और बताओ आप लोग, अब होली आने वाली है और मैं सोच रही हूँ कुछ प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो करने का होली से रिलेटेड एंड समर से रिलेटेड, तो दो वीडियो मैंने प्लान किया है। आई होप जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर लूँ प्लान को। बहुत दिनों से आप सिर्फ मेरे चैनल पे ब्लॉग ही देख रहे हो, कोई ऑनलाइन रिव्यू वीडियो मैंने इधर किया नहीं है। तो मैं होप करती हूँ कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरा ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। तो बस ग्रीन टी तो हो गई खत्म और वापस से किचन का रास्ता। हमारा किचन में आने का मतलब खत्म ही नहीं होता, किचन का काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया, कैमरा अदरक, तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा रखा है और दाल बनाने के बाद क्या बनाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा है सब्जी में, तो सबसे पहले मैं दाल ही बना लेती हूँ, देन सब्जी का सोचती हूँ, फिर बनाऊंगी कुछ राइस। आज मैंने राजमा भी बोए थे पर वो अच्छे से सोक नहीं हुए, तो मैंने प्लान चेंज करके वापस से दाल चावल बनाने का सोच लिया। कल राजमा राइस बनाऊंगी और दाल ऑलमोस्ट बन चुका है। ये मैं अदरक लेके पता नहीं क्यों घूम रही हूँ, तो खाना बन जाए देन आपसे बताती हूँ आगे क्या करना है मुझे आज। क्या क्या सही करूं, देखो ये मुझे जड़ा ध्यान नहीं था, थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं लेके भी गई थी जो पड़े थे, ये मेरे अखरोट और बादाम रह गए, इसे भी मैंने धूप में रखा है। मैं देख रही थी इसे कबूतर उठा के एक ले गया था और खा रहा था वो इसे कुतर कुतर के, तो आई होप ये खाने लायक हो जाए, इतना वेस्टेज तो नहीं हो पाता। तो पुल्लू आ गया है क्लास से और बस मेरा मी टाइम जो था वो खत्म हो गया है, अब मेरा सारा टाइम पुल्लू के लिए। ऊपर गीला कैसे हो गया? आपने उस पे जूस गिरा दिया। और पुल्लू जब भी क्लास से आता है मम्मा उसके लिए एक सरप्राइज रखती है, तो ये सरप्राइज है पुल्लू को ORS। इसे ना ORS पीना बहुत पसंद है, तो ये हेल्पफुल भी है बच्चों के लिए, तो मैं इसे ला के रखती हूँ। ये फ्रूटी माजा ऐसा कुछ पिए, उससे बेहतर है कि ये इसी को पिए। और वॉल देख रहे हो, देखो देखो ऐसी ऐसी पेंटिंग आपको मेरे पूरे घर में दिखेगी, जिधर देखो यही पेंटिंग। तो अब मैंने सोच लिया है कि कर लो जितना करना है, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तभी मैं वाइट वॉश कराऊंगी घर में। मेरा मी टाइम खत्म हुआ, उसी के साथ मैं ये ब्लॉग भी खत्म कर रही हूँ। देखो तो बाय 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 बाय।